तो फ्रेंड्स, डॉक्टर एम राम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज का टॉपिक है लिवोसिट्रिजिन टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन भी क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। दोस्तों, लिवोसिट्रिजिन एक एंटीहिस्टामिन नामक दवाओं के समूह के से संबंध रखता है और यह एक एलर्जिक प्रतिक्रिया के दौरान शरीर में उत्पन्न होने वाले प्राकृतिक पदार्थ हिस्टामिन को अवरुद्ध करने का काम करती है दोस्तों। और यह एक तरह से एलर्जी कंडीशन में यूज़ होने वाली एक बहुत अच्छी दवा है। तो दोस्तों, इसके बारे में आज मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसके यूजेस नॉर्मली एलर्जी कंडीशन में और यदि किसी भी वस्तु या खान पान से होने वाले एलर्जी है उसमें की जाता है, कफ में किया जाता है, खुजली में किया जाता है, सर्दी जुकाम में किया जाता है, खांसी में भी किया जाता है, घाव में अगर खुजली हो रही उस दौरान भी किया जाता है, आँखों में पानी आ रहा है उसके दौरान किया जाता है, किसी भी कीट पतंगे द्वारा काट लेने पर खुजली या सूजन हो जाए तब इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके और भी यूजेस हैं, जैसे एलर्जिक अस्थमा में भी इसका एक सपोर्टिंग मेडिसिन के तौर पर यूज़ किया जाता है। और आपको किसी धातु या किसी भी ऐसी वस्तु से एलर्जी है तब भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो जैसे सर्दी में जैसे नाक बहरा है या नाक लाल हो जा रही है तब भी इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गए इसके यूजेस। तो चलिए, इसके यानी ध्यान में रखने योग्य, जब इसको यूज़ कर रहे हैं आप, तो इसको ध्यान में रखने योग्य जो बातें हैं उस पर बात कर लेते हैं। यदि आपको लिवोसिट्रिजिन से या फिर डीहाइड्रोक्लोराइड से एलर्जी है या किसी भी एंटीहिस्टामिक नामक यानी ग्रुप से एलर्जी है तब इसे ना लें। मिर्गी के दौरान दौरे आते हैं आपको रेगुलर, तब इसे नहीं लेना है। यदि आप किडनी पेशेंट हैं तब भी आप इसे नहीं ले सकते, या फिर आप गर्भवती महिला हैं या स्तनपान करा रही हैं बच्चे को तब भी इसे ना लें और डॉक्टर की सलाह से ही इसे लें। तो दोस्तों, ये तो होगा इसके चेतावनी। और भी दो जो चेतावनी है इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। अगर आप शराब पी रहे हैं इस दौरान इसे ना लें, क्योंकि इससे आपको इसके घातक नुकसान यानी झेलने पड़ सकते हैं। और सबसे मेन है दोस्तों, अगर आप ड्राइवर हैं या फिर कोई मशीन ऑपरेटर हैं या फिर किसी भी ऊंची स्थान पर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, ऐसा कोई भी कार्य कर रहे हैं, तब इसे ना लें, क्योंकि इससे आपको नींद आ सकती है और आप इसमें बहुत बड़ा जोखिम आपको हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और अब चलते हैं इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, लिवोसिट्रिजिन से जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं नॉर्मल है, और इसमें आपको थकान हो सकती है, ड्राई माउथ हो सकता है यानी सूखा मुंह हो सकता है आपका, सिर दर्द हो सकता है या दस्त हो सकते हैं, नाक बंद हो सकती है, उल्टी या मतली आ सकती है और पेशाब में यानी परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, ये तो हो गया इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट। तो दोस्तों, चलिए अब इसके डोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसका जो डोज है 10 mg दिन में एक बार लिया जा सकता है एडल्ट्स के लिए, और वो भी अगर आप डॉक्टर को दिखा के लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, रोगी और उनका मामला अलग अलग हो सकता है, इसलिए रोग दवाई यानी देने के तरीके, रोगी की आयु, रोगी का चिकित्सा इतिहास और अन्य कारणों के आधार पर लिवोसिट्रिजिन खुराक उनको दी जाती है। तो दोस्तों, डॉक्टर की सलाह से ही लें, और इसको अगर आप जब भी ले रहे हैं तो यानी रात में खाना खाने के बाद लें, क्योंकि इससे आपको नींद आती है, तो यानी किसी किसी को इससे नींद आती है। तो दोस्तों, इसका ध्यान रखें। और इसका जो मैक्सिमम खुराक है 3 से 5 दिन का है, और बिना डॉक्टर की सलाह के इसको ना लें। ठीक है दोस्तों, और इन याद रखने वाली बातें, इसमें ध्यानपूर्वक जो रखने वाली बातें हैं वो हैं कि दोस्तों, 60 से 65 साल के जो उम्र के बुजुर्ग हैं उनको 5 mg से ज़्यादा इसे ना दें। और इसका जो यानी आपको जब इसको ले रहे हैं तो ये जब असर करने का या इसका जो टाइम है 15 मिनट से 1 घंटे के अंदर ये असर करती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो हो गई इसकी खास बातें। और इसको हमेशा सोने के ही वक्त लें, जब आप इन्हें रात में सो रहे हैं या आप घर पे हैं तभी लें, आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो ध्यानपूर्वक लें, क्योंकि इसमें आपको रिस्क होता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और ऐसी कोई मेडिसिन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं आपके लिए उसके लिए भी वीडियो लेके आऊँगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर।